हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटविज। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में, हम प्लांट न्यूट्रिशन पे एक क्विज करेंगे। ठीक है, जो जिस तरह से प्लांट्स और ट्रीज और प्लांट्स, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशनल देते हैं, ठीक है, जो डेली नीड होती है हमारी न्यूट्रिशन की, वो किस तरह से प्लांट जो होते हैं वो किस तरह से अपना पूर्ति करते हैं अपने डेली न्यूट्रिशनल नीड की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ह्यूमन होता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना अपना जो डेली जो हमारा न्यूट्रिशन की नीड होती है उसके जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो वेजिटेबल खाएंगे, ठीक है, या फ्रूट्स खाएंगे, या फिर मीट खाएंगे। ठीक है, तो हम अपने न्यूट्रिशनल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेजिटेबल कहाँ से आती है, प्लांट से, ठीक है, फ्रूट्स भी कहाँ से आते हैं, ट्रीज से, और मीट कहाँ से आता है, अदर एनिमल से। ठीक है, तो हम क्या हो गए, हम हो गए जो एनिमल और ह्यूमंस क्या हो गए, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए, ऑटोट्रॉप्स, तो जहां भी आपको ऑटो दिखाई दे तो ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ। तो हमारा ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, ये अपना खाना क्या होता है, खुद बनाते हैं, इनको किसी और अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये भी जो हेटरोट्रॉप्स पहले देखते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स के ऑपोजिट। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, जो अपना जो फूड इनटेक होता है, न्यूट्रिशनल इनटेक होता है, वो दूसरे एनिमल या फिर दूसरे प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या हो गए, हम हो गए हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप्स का एक ही और ही वो है पार्टी है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो जैसे हम तो क्या करते हैं कि हम प्लांट वेजिटेबल खाएंगे, एनिमल खाएंगे, सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड या डिकेंग, जो सड़ रहा होता है ना खाना, या जो भी कोई मैटर होता है वो सड़ रहा होता है, ठीक है, उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, फंगस। ठीक है, फंगस अपना जो खाना होता है वो सड़े हुए मैटर पे लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर आप ब्रेड को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जैसे डिपेंड करता है किस तरह का वेदर है, अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर, यानी कि जब गर्मी के टाइम खुला छोड़ दो उसको थोड़े टाइम के लिए, तो उसके ऊपर वो फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन जो होता है, तो वो क्या करता है, वो इसीलिए उगना शुरू होता है क्योंकि वो अपने ब्रेड से, ब्रेड सड़ रहा होता है, ठीक है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और वो जो उसको सड़ाने के लिए क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो जूसेस निकल छोड़ते हैं। ठीक है, सिक्रेट करते हैं जूसेस, तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, वो मैटर को सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स ही होता है। ठीक है, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट ये डिफरेंट वो होता है कि अलग तरीके से खाना बनाते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स यानी कि सड़े हुए मैटर से अपना खाना लेते हैं, सेप्रोट्रॉप्स भी हम देखेंगे आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और फूड फैक्ट्री क्या होगा, जहां पे फूड मैन्युफैक्चर होता है। अब प्लांट्स के कितने, बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसका रूट्स होते हैं, उसके स्टेम्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर होता है और उसका लीव्स होता है, तो उनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जहां पे हमारा फूड मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो वो पार्ट है हमारा लीव्स। ठीक है, हालांकि फूड के लिए, उसके लिए जो हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ठीक है, CO2 भी चाहिए होता है हमको, ठीक है, और उसके बाद सनलाइट भी चाहिए होती है। ठीक है, तो सनलाइट के लिए ही क्लोरोफिल चाहिए होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बिना हम सनलाइट से जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तीनों को, ये तीन चीज चाहिए होती है हमको। ठीक है, प्लस डिफरेंट टाइप के मिनरल भी चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमको नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लीव्स में क्या होता है, ये जो सारे सब कुछ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफिल भी हमारा लीव्स में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमोसफेयर से लेते हैं, जो प्लांट्स होते हैं एटमोसफेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो क्या करते हैं कि लीव्स से उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
तो CO2 हमारा आ जाता है कहाँ से, लीव्स से, ठीक है। और प्लस H2O, हमें वाटर भी चाहिए होता है, वो कहाँ से आता है, वो रूट से आता है, ठीक है। रूट से अब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से, ठीक है। तो ये मिलके हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो जो इसीलिए हम लीव्स को क्या क्या कहते हैं कि फूड फैक्ट्री, क्योंकि जो सारा हमारा जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन होता है, फूड होता है, वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो हमने अभी मैंने अभी आपको बता ही दिया कि CO2 कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। CO2 अब्जॉर्ब होता है, अब यह होता है हमारा लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स में किस तरह से होता है, जैसे लीव्स है हमारी ना, इसमें टाइनी पोरस होते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप किसी लीव्स को ऐसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये पोर्स होते हैं, ठीक है। ये ओपन माउथ होता है इनके पोर्स में, तो ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं हम स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा क्या होता है, ये जो हमारे लीव्स में ना CO2 एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो हमारे एटमोस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीव्स में ऐसा क्या है जो मतलब CO2 एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है, लीव्स को। तो वो हमारा है स्टोमेटा बोलते हैं उनको, ठीक है। वो टाइनी पोर्स होते हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था, क्लोरोफिल क्या करता है, वो यही ऐसा पिगमेंट है जो जो सनलाइट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। मेलेनिन तो हमारी स्किन में होता है, ठीक है, ये एनिमल्स की स्किन में होता है मेलेनिन, ठीक है। और ये क्रेटोनॉइड, ये भी क्या होता है, ये प्लांट्स में आपने देखा होगा, लीव्स जो होती हैं और हमेशा वो ग्रीन कलर की नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश भी होता है, कुछ रेड कलर की भी होती है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट कलर होते हैं वो इसी पिगमेंट की वजह से आते हैं, ठीक है, रेड ब्राउन, ठीक है, इस तरह का जो कलर होते हैं, इस रेंज में जो कलर होते हैं वो इसी इसी पिगमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है। बट जो पिगमेंट सनलाइट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो यूज होता है, वो होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट हमारा प्लांट में हर जगह, तो जो भी ग्रीन पार्ट होता है ना, ऑलमोस्ट हर हर जगह क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा लीव्स में, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस से तो हम क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी की वजह से हम सनलाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हम क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, ठीक है। बट जैसे ह्यूमंस को भी प्रोटीन भी चाहिए होता है, ठीक है, हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन भी चाहिए होता है, इसी तरह से प्लांट्स को भी अपने लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन भी चाहिए होता है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है, यानी कि उनमें नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन कैसे, मतलब जो हमारे प्लांट्स है वो कैसे नाइट्रोजन एक्वायर करेंगे, ठीक है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम नाइट्रोजन अपने फूड से लेते हैं, डिफरेंट जो भी हम फूड इनटेक लेते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं वो नाइट्रोजन, उनको कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब देखिए, सोइल जो है वो हमारी जो है वो नाइट्रोजन रिच होती है, ठीक है। जो जैसे हम कोई भी खेती वेती करते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, जब भी कोई क्रॉप, जब भी हम खेती, एक फसल कट जाती है, उसके बाद किसान जो होता है उसमें फर्टिलाइजर डालता है, ठीक है, क्योंकि कि जो फसल होता है वो ज्यादातर जो उसमें नाइट्रोजन होती है सोइल में, वो उसको यूज कर चुका होता है, ठीक है, तो उसकी कमी हो जाती है नाइट्रोजन की, इसलिए हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। वो नाइट्रोजन के लिए ही डालते हैं, क्योंकि हर एक फसल को नाइट्रोजन चाहिए होता है अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब चाहिए, इसी तरह से प्लांट्स को भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उसको फोटोसिंथेसिस से मिल जाता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन सोइल में तो होता है, बट सोइल में क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में होता है, अब एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो सोइल होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
अब जब वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड में H2O के साथ मिक्स हो जाता है, तब वो इजीली रूट्स के थ्रू, जो प्लांट के रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना क्या होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर फर्टिलाइजर डालने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि या तो उस सॉइल में राइजोबियम की कमी हो, अगर सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम रिच है, यानी कि उसमें काफी मात्रा में राइजोबियम है, ठीक है, तो तब आपको इतना फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया ही दे देगा, ठीक है, आपको कन्वर्ट करके सोल्यूबल फॉर्म में, ताकि जो आपका प्लांट्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। बट राइजोबियम की भी एक कमी है, वो हम आगे देखेंगे, वो हर जगह नहीं मिल सकता आपको, ठीक है, उसको भी सॉइल में रहने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं, वो हम आगे देखेंगे, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। उसके लिए भी कंडीशन चाहिए होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सफिशियंट क्वांटिटी में, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली मिल जाएगा आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में, बट सफिशियंट क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी ताकि हमको फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े, इतना वो हर जगह नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमें मैक्सिमम क्रॉप्स के लिए, जैसे आपने देखा होगा, खेती के लिए फर्टिलाइजर चाहिए ही होता है, ठीक है, हर क्रॉप्स के बाद। तो जो हमारा होता है राइजोबियम होता है, ठीक है। ई कोली क्या होता है, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारा फूड पॉइजनिंग के लिए ये बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, हमारी लोअर इंटेस्टाइन में ई कोली होता है, लोअर इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये तो बैक्टीरिया जो हो गया डिजीज के लिए हो गया, ठीक है, फूड पॉइजनिंग वगैरह इससे होती है। सिमिलरली सालमोनेला क्या होता है, ये भी एक डिजीज बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी सालमोनेला करता है, ठीक है, ये भी एक डिजीज है, ये बच्चों और थोड़ा जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता उनको इफेक्ट करता है, ये अडल्ट लोगों को कम इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक डिजीज है। राइजोबियम क्या है, ये हमारा सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, बाकी दोनों तो जो है वो हमारा डिजीज बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये सोइल बैक्टीरिया है, ठीक है, सोइल में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ मैंने आपको बताया था कि मोस्टली सारे प्लांट्स और होते हैं जो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो नहीं बना पाते, ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से देखिए, नीम तो है वो अपना खाना खुद ही बना लेता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस, बहुत ग्रीन प्लांट होता है। सिमिलरली पीपल भी है, बट अमरबेल, जिसको इंग्लिश में हम कसकटा भी कहते हैं, ये क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप ऐसे फॉरेस्ट इलाके में जाते हो, या कभी ऐसे आपने कोई पेड़ देखा होगा उसके ऊपर येलो कलर का, ठीक है, पीले कलर का एक ऐसी बेल सी बिछी होती है, ठीक है, येलो या फिर डार्क लाइट ऑरेंज कलर की इस तरह की बेल बिछी होती है, ठीक है, वो होता है अमर बेल बोलते हैं जिसको, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना, वो ऑप्शन में कभी आपको अमर बेल या कभी कसकटा दे देगा, ठीक है, तो दोनों नाम याद रखने हैं आपने। तो वो क्या होता है कि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या करते हैं कि इनके पास खुद अपने पास कुछ तरीका नहीं होता न्यूट्रिशन लेने का, तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे या दूसरे ट्री पे जाके मतलब उसके पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे से बॉडी से न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब हमारी बॉडी को डिप्राइव करते हैं न्यूट्रिशन से, इसी तरह से ये क्या है, अमर बेल भी एक तरह का पैरासाइट है, ये क्या करता है, किसी और ट्री पे जाता है, किसी और पेड़ पे जाता है, और वो जो अपना न्यूट्रिशन बनाता है वो पेड़, उसी का न्यूट्रिशन चुरा लेता है, ठीक है, तो इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से खुद नहीं कुछ बनाता, बट दूसरे होस्ट जिस ट्री पे बैठा होता है उसको बोलते हैं होस्ट ट्री, ठीक है, तो वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है ये, ठीक है। तो अमर बेल, कसकट्टा, दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच प्लांट ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा था प्लांट क्या होते हैं, या तो फिर फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, या फिर दूसरे पेड़ पे पैरासाइट बन के, जैसे अमर बेल, बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं अपना न्यूट्रिशन डिमांड को पूरा करने के लिए। अब वो कौन कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है, कसकटा तो नहीं होता, वो मैंने आपको बताया ये पैरासाइट प्लांट है, यानी कि ये दूसरे प्लेन से, दूसरे होस्ट ट्री पे जाके बैठ जाता है, वहां पे जो भी उससे इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वहां से चुरा के खा लेता है, ठीक है। और ये एल्गी भी होता है, कैक्टस भी नहीं होता, कैक्टस हमारा डेजर्ट में मिलता है, पर इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो होता है,
क्या कहते हैं क्लोरोफिल है तो इसको जरूरत नहीं है इंसेक्ट खाने की। एल्गी भी जो होता है हमारा इसके पास भी क्लोरोफिल होता है ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। आंसर है हमारा क्या, पिचर प्लांट। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है पिचर प्लांट के पास, पिचर प्लांट के पास भी क्लोरोफिल होता है, बट इसको फिर क्यों जरूरत पड़ती है इंसेक्ट्स खाने की। ठीक है, हम क्यों खाते हैं कुछ चीज अपनी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब जो ये पिचर प्लांट होते हैं ये क्या होता है, ये ऐसी जगह पे उगते हैं ठीक है, हर जगह पे नहीं मिलेंगे आपको, ये कुछ ऐसी जगह पे मिलते हैं उगते हैं जहाँ पे जो सॉइल होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, यानी कि इनसफिशियंट होते हैं। ठीक है, होते हैं थोड़े बहुत होते हैं बट सफिशियंट नहीं होते। अब जैसे आप हो कुछ खा रहे हो ठीक है, आपने कुछ मील खाई उससे आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जो भी आपको इंटेक चाहिए, जो आपको न्यूट्रिशनल इंटेक चाहिए होता है, प्रोटीन की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो आप क्या खाओगे, उसके बाद आप कुछ और सप्लीमेंट लोगे। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स को भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अपनी प्रोटीन की ठीक है, अपनी न्यूट्रिशन की, तो अगर वो डिमांड सॉइल पूरी नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में क्या होता है, ये जो होता है ये इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, तो ये उन कीड़े मकोड़े से अपना जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करते हैं। ठीक है, ये प्लांट जो हर जगह पाए नहीं जाते, इस तरह की शेप होती है इनकी, आप गूगल पे चेक कर लेना, ऐसे इनके ये ओपन माउथ शेप होते थे, यहाँ से ये कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, बहुत अच्छा मतलब फैसिनेटिंग प्लांट है, तो ये याद रखना पिचर प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, या ठीक है कौन सा प्लांट है जो आपका कीड़े मकोड़े भी खाता है। ठीक है, तो आपने अब तक कितने तरह के प्लांट्स देखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं यानी कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम 95-96% प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना सोइल से क्या करते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं ठीक है, या फिर एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी लेके वो प्रोटीन सिंथेसाइज भी खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी और ऑर्गेनिज्म की। सेकंड क्या है, हमने पढ़े थे सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं कि वो जैसे हमारा फंगस हो गया, ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, तो वहां से अपना डिकेइंग मैटर यानी कि जो सड़ रहा है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस डाल के उसको फिर उसको ब्रेक करके तो उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जो भी चाहिए होता है प्रोटीन वगैरह सब कुछ वहीं से ले लेते हैं। ठीक है, उसमें फंगस आता है। ठीक है, फंगस के ऊपर ही मशरूम उगता है। ठीक है, आपने देखा होगा मशरूम जो होता है वो फंगस के अराउंड ही उगता है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि पैरासाइट प्लांट। ठीक है, जो प्लांट खुद नहीं बना सकते ठीक है, वो जूस वो अपना मतलब सेप्रोट्रॉफ भी नहीं होते, बट वो क्या करते हैं वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं उन प्लांट से क्या करते हैं, कसकटा है वो उन प्लांट से जो जो वो अपने लिए खाना बनाते हैं उससे उसको चुरा के खाते हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह के प्लांट को बोलते हैं पैरासाइट प्लांट। और फोर्थ क्या है हमारा, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इन इन प्लांट को ऐसे भी बोल सकता है कि कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, कार्निवोरस मतलब जो लिविंग बींग को खाते हैं। ठीक है, और इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो पिचर प्लांट को ये भी बोल सकते हैं, तो कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लांट है अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में जो मतलब कार्निवोरस है ठीक है, या मांसाहारी प्लांट, तो उसमें क्या कहते हैं, क्या बोलोगे आप, पिचर प्लांट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोट्रॉप। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, देखिए एल्गी जो होता है उसके पास तो अपना बनाने के लिए होता है क्लोरोफिल। ठीक है, बट जो हमारा फंगा होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, फंगाई या फंगस, इसको साइंटिफिक नेम फंगे है बट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं डेली लाइफ में फंगस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फिर जैसे मैंने आपको बताया ब्रेड के ऊपर या फिर लेदर पे भी आपने देखा होगा, अगर लेदर को भी हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसके ऊपर एक लाइट ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको फंगस बोलते हैं। अब मशरूम भी फंगस पे ही उगती है। ठीक है, मतलब फंगस की बॉडी पे ही, ये जैसे प्लांट में फ्लावर उगता है ठीक है, उसी तरह से फंगस में मशरूम उगती है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पार्ट है, तो बोथ ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपको कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है या फिर इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, मान लो कि मेरे पास आपको जीने के लिए क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अब
जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन जो या तो शेल्टर पर मतलब दे सकते हैं, ठीक है, बट वो अपना उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल होता है बट शेल्टर देने के लायक नहीं होता, ठीक है। अब ये दोनों अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की नीड पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइकन्स होते हैं, ठीक है, लाइकन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये दो पार्ट से बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होता है इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, प्लस फंगे, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता बट ये शेल्टर दे सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा फंगस जो होती है कितना बड़ा मतलब पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है, तो शेल्टर देने के लिए ये पूरा मतलब पर्याप्त है, ठीक है। अब ये दोनों चीज मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्लोरोफिल की नीड यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, ठीक है, वो इसको दे देता है, ठीक है, थोड़ा सा खुद रखता है, थोड़ा से मतलब शेयर कर लेते हैं, और ये क्या करता है उसको इन रिटर्न क्या करता है कि शेल्टर मतलब कि जैसे प्लांट का रूट होता है वो उसको मिनरल देता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था प्लांट्स के जो मिनरल्स होते हैं वो रूट से अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब देखिए एल्गी होता है, आपने देखा होगा इसके पास क्लोरोफिल तो होता है, शैवाल बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर आपको सुना हो तो शैवाल, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल तो होता है बट इसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि ये ग्राउंड से मतलब मिनरल्स ले सके, ठीक है। तो वो मिनरल्स कौन प्रदान करता है, यानी शेल्टर मिनरल कौन देगा उसको, वो देगा फंगस, ठीक है, ये देगा उसको क्लोरोफिल, इन रिटर्न फंगस उसको क्या देगा, शेल्टर मतलब कि उसको जैसे रूट्स उसको मिनरल देते हैं ना, उसको बचा के रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से फंगस क्या करता है उसको मिनरल्स जो ग्राउंड से जो भी होता है मिनरल या फिर वाटर जो भी होता है, इन दोनों की जरूरत पड़ती है आपको, वाटर की जरूरत तो आपको उसके लिए पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, और मिनरल्स की जरूरत क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो ये मिनरल्स देगा, ये क्या देगा, ये उसको रिटर्न में क्या देगा, फूड जो इसने बनाया है वो उसको शेयर करेगा उसके साथ, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो लाइकन्स या लीचन्स जो भी बोलना चाहें आप इसको, तो ये क्या होता है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसी तरह से अब हमने अभी मैंने आपको बताया था जब हम राइजोबियम पढ़ रहे थे कि राइजोबियम हर जगह नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसको भी राइजोबियम आपको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सोल्यूबल बना सकता है बट इसको भी खुद के लिए वो चाहिए होता है कि फूड चाहिए होता है इसको, तो ये ऐसी जगह पे ही ज्यादा मतलब सफिशियंट क्वांटिटी में होता है जहां पे इसके अराउंड इस तरह का मतलब इस तरह के पेड़ पौधे लगे हों जो इसको वो दे सके, ठीक है। जैसे लग्यूम्स होते हैं, लग्यूम्स क्या होते हैं, जैसे आपके चना हो गया, ठीक है, फलियां होगी, इनको लग्यूम्स बोलते हैं, मटर, ये सब क्या होते हैं, लग्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब लग्यूम्स और राइजोबियम, ठीक है, अगर आप ये सब जहां पे ये सब फसल लगाओगे आप, ठीक है, तो उसके अराउंड राइजोबियम, ठीक है ना, वो मतलब रह सकता है क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, ये नाइट्रोजन दे सकता है इनको, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, वो हमको चाहिए होता है किसके लिए, अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन देगा, इन रिटर्न लग्यूम्स क्या करेंगे, जो वो फूड बनाते हैं, क्योंकि राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना सकता, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंड करता है, और ये लाइग्यूम्स लिग्यूम्स क्या करते हैं, उसके साथ अपना फूड शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी, ठीक है। इसीलिए कि जहां पे ये फसलें लगती है ना, चना, फलियां, मटर, ठीक है, वहां पे हमको ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो सॉइल में राइजोबियम होता है प्रेजेंट होता है वही सारी डिमांड पूरी कर देता है नाइट्रोजन की, ठीक है। थोड़ा बहुत डालने की जरूरत पड़ती होगी बट मोस्टली जितना भी डिमांड होती है वो खुद ही राइजोबियम बैक्टीरिया वो पूरी कर देगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, कि दोनों है, राइजोबियम और लग्यूम्स, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिशन में इतना आप अगर आपको पता है तो इतना आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो अब आपको कि प्लांट कैसे लेते हैं, ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स, सेवरोट्रोप्स, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और वो पैरासाइट प्लांट कौन कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आपको पता है, राइजोबियम ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो ये 9-10 क्वेश्चन में आपका कवर हो गया सारा। नेक्स्ट क्विज हम स्टार्ट करेंगे,
उसमें हम ह्यूमन न्यूट्रिशन देखेंगे, ठीक है, एनिमल और ह्यूमन किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।